वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डिवीजन। हमारे पास एक्सरसाइज 10C है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार है, देन इस सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमारे पास जो 10D आएगा वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब एक्सरसाइज है, ये भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी हम 10C सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। साइन स्क्वायर एक्स d2y/dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dy/dx प्लस वाई बराबर में 0। आपको क्या करना है, इस ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, दिखाना, जिससे कि हमारा कंपेयरिंग हो जाए। और कंपेयरिंग करके P और Q और R का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को हटा दिया डिवाइडिंग करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आएगा तो ये कॉट बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा तो साइन साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन मतलब कॉट, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1/ साइन स्क्वायर इज अ कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए, ये आपको जो है, आप कंपेयरिंग इससे आप करेंगे ना, तो पी के जगह पर कॉट और क्यू के जगह पर जो है कॉसेक स्क्वायर और आर के जगह पर 0। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है फाइंड करना है, आपको जेड क्या निकालना है, फाइंड करना है जेड। तो dz/dx का स्क्वायर निकालना है, मतलब आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आपको जो देखिए ए होता है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर आपको जो है ये dz/dx निकालते हैं तो यहाँ पर क्यू लिखते, क्या लिखते हैं, क्यू। तो यहाँ पर क्यू हमारा जो काम कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स काम कर रहा है, तो वो लिख देंगे। ए मतलब आपको कांस्टेंट जो हमारा कितना है, आपको 1 है कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको dz/dx लेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको कॉसेक देखिए ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको यहाँ पर रूट में आएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना, कॉसेक आ जाएगा स्क्वायर से, कहानी खत्म। डीजेड बराबर में आपको कॉसेक एक्स इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो जेड बराबर में ये लॉग टेन एक्स बाई टू इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द एक्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जेड में क्या करना है, हमको चेंजिंग करना है। तो ये तो हमें मालूम है, जेड बराबर लॉग टेन एक्स बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। देन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब आपको ये नया इक्वेशन जो आया हमने लिया, पी के जगह पर पी वन, क्यू के जगह पर क्यू वन, याद रखना ये हमारा नया इक्वेशन है। पी वन का जो मतलब आपको होता है डी, ये चीज़ d2z/dx² मतलब d2z/dx² प्लस pdz/dx। तो ये चीज़ है, ये मान आपको जो है पुट करना, ओके। तो dz/dx का मान कितना पहले, वो तो पहले पता कर ले। देखिए, हमारे पास dz/dx का मान है कॉसेक एक्स, और मतलब आपको जो है इसका क्या करना, आपको सबसे पहली बात इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, क्या करना है आपको, स्क्वायर ओ डी टू मतलब आपको डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, पी के जगह पर कॉट एक्स है, dz/dx मतलब इसके जगह पर आपको कॉसेक एक्स। देखिए ना, dz/dx का मान हमें ये पता है नहीं, कॉसेक एक्स, इसका डबल डिफरेंशिएशन किए तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए dz/dx मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स, इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए यहाँ से आपको जो है ऊपर वाले पार्ट में, ओ ये तो जीरो बन जाएगा, नहीं जीरो बन जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो क्यू वन बराबर आपका जो होता है q/dz/dx² क्या होता है, क्यू वन बराबर में ये चीज़ होता है, ओके। तो मतलब क्यू का मान आपने निकाला, कितना निकाला, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और dz/dx का स्क्वायर इज अ आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स, कैसे तो अभी हम देख लेते हैं, dz/dx का कितना है। अच्छा, dz/dx हमारा ये रहा, हाँ कॉसेक एक्स, इसलिए कॉसेक एक्स का क्या होगा आपको, स्क्वायर हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, 1 हो चुका है। ये क्यू वन का मान, आर वन का मान फाइंड कर लेते हैं, 0/ ये आर के जगह पर 0 था तो इसलिए 0 हो चुका है। रिड्यूस इक्वेशन पूरा गायब हो चुका है, कैसे, तो देखिए आर के जगह पर आपको 0 पुट करना है, क्यू वन के जगह पर 1 पुट करना है, और क्यू के जगह पर 0। तो देख लेते हैं हमारा रिड्यूस इक्वेशन जो आएगा ये वाला, देखिए ये पी वन है, पी वन के जगह पर रखना है, क्यू वन, क्यू वन के जगह पर रखना, आर वन, आर वन के जगह पर मान क्या करना, पुट कर देना, अपन पुट कर दिया। यहाँ से आपको जो है क्या आ चुका है, ये चीज़ आ चुका है, यहाँ से d²+1 × y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। देन आपको यहाँ से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 4CF के लिए, क्या इसके लिए हम काम करते हैं, CF, तो CF आपको निकालना है, तो जिसको लिख लेंगे m का मान ±i आ जाएगा, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 1, मतलब आप CF जो निकाल चुके हैं वो आपका आ चुका है C1 cos x, सॉरी z है तो z के टर्म में cos z sin z, मतलब आपको जो है z के जगह पर log tan x by 2 पुट करना है, क्या आप पुट करना है, ये z का वैल्यू log tan x by 2। चलिए z के जगह पर अपन पुट कर दिया जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये z है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर log tan x by 2 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो इस तरीके से दिखता है। देन आपको क्या करना है, कंपेयरिंग कर लेना है इसके साथ। तो पी के जगह पर देखिए क्या टैन एक्स, क्यू के जगह पर कॉसिक स्क्वायर एक्स, आर के जगह पर जीरो। टू चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द एक्स इनटू जेड, किसके जेड में। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, आपको नया इक्वेशन है। क्यू वन के और पी वन और आर वन तीनों निकाल लेना है। क्यू वन बराबर डी जेड बट्टा में डी एक्स का स्क्वायर, मतलब आपको ये वन हो चुका है। ये कॉन्स्टेंट एक चीज़ है, कॉन्स्टेंट वन ही क्यों हुआ, और भी तो हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, है ना, आप इसके इंटू में देखिए कितना, कुछ नहीं तो वन से गुना है ना। आप ऐसा सोच के चलिए यहाँ पर आपको वन ले चुके, क्या ले चुके, वन। ओके, तो कॉसेक ये चीज़ है, डी जेड बट्टा डी एक्स का मान पता होना चाहिए। तो हमें डी जेड बट्टा डी एक्स का मान पता है क्या, देखिए ना डी जेड बट्टा में डी एक्स का मान पता ही नहीं है, चलिए अच्छी बात है। क्यू का मान मालूम है क्या, देखिए क्यू का मान मालूम है, कॉसेक एक्स, क्यू का मान कॉसेक एक्स, बिल्कुल। देखिए ना यहाँ पर क्यू बट्टा में डी जेड बट्टा में डी एक्स स्क्वायर, ये आपको इससे गुना हुआ तो यहाँ, और क्यू का मान कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा क्यू का मान कॉसेक स्क्वायर एक्स है क्या, यह देखिए है। चलिए नेक्स्ट, डी जेड बट्टा में डी एक्स मतलब दोनों का स्क्वायर खत्म, मतलब डी जेड बराबर में आपको कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, और या ये जेड बराबर हम साइन एक्स हो चुका है, इंटीग्रेट करेंगे तो कॉसेक्स का साइन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है, पी वन, मतलब पी वन निकालते थे उसके लिए वो होता है। तो यहाँ पर आपको जो डी जेड बट्टा डी एक्स है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना, डी स्क्वायर, इसलिए आपको डिफ्रेंशिएशन कर लेना। तो कॉस का साइन और पी, पी के जगह पर टेन, और डी जेड बट्टा डी एक्स इज अ कॉस, कॉस एक्स, और यहाँ पर डी जेड बट्टा में डी एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आपको आ चुका टेन को साइन बट्टा कॉस कैंसिल, मतलब आपको ये भी पी वन भी जीरो हो चुका है। ओके, आर वन जो होता आर बट्टा में ये होता, तो आर का मान जीरो, तो जीरो लिख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू, आप नया जो इक्वेशन था पी वन क्यू वन आर वन, उसके जगह पर क्या करना, आपको जो वैल्यू अभी निकाले वो क्या करते, पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर प्लस वन वाई बराबर में जीरो, फोर सी एफ के लिए यूज करेंगे, तो आपको एम का मान आपको हो चुका है प्लस माइनस आयोटा, सी एफ निकाल लिया अपन, सी वन ये जेड रहेगा, जेड में कोई दिक्कत नहीं, जेड के जगह पर आपको पुट करना है साइन एक्स, सी टू साइन जेड के जगह पर साइन एक्स, हेंस द आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी ए प्लस पी आई। तो वाई बराबर सी वन कॉस, यहाँ पर देखिए साइन एक्स से साइन एक्स, सी टू साइन साइन एक्स आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आई तो आपको जीरो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपको इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर एक्स का पावर वापस से चार दिख रहा है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, आपको इस फॉर्म में आपको लाना है। तो देखिए ये आपको कंपेयरिंग कर लेंगे, इसे क्यू आर पी तीनों निकाल लिए। अब यहाँ से आपको क्या निकालना, चेंजिंग चेंजिंग टू, आपको इसमें आपको नया इक्वेशन में चेंज करना है ना, तो चेंज करेंगे। अब देखिए क्यू वन बराबर आपको कॉन्स्टेंट ले लेना, क्या लेना है, कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर ए स्क्वायर अपन ही क्यों लिया, तो देख लीजिए आपको यहाँ पर देखिए क्यू वाला में जो है ना मल्टीप्लाई में कितना है, ए स्क्वायर है ना ऊपर में, वन बट्टा एक्स का पावर चार में गुना ए स्क्वायर है ना, उसी प्रकार का आपको क्या करना, कॉन्स्टेंट ले लेना है। देखिए यहाँ पर आपको लेट किया गया है, क्या किया गया, लेट किया गया, तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपको इससे मल्टीप्लाई करेगा, यही बात है। और Q का मान जो है आप, आपको पता ही है, डाल दीजिए यहाँ पर Q का मान, यहाँ से आपको dz बट्टा में dx आ चुका, स्क्वायर है इधर चढ़ेगा, तो dz बट्टा में dx आ चुका वन बट्टा में x का पावर चार का रूट, मतलब वन बट्टा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया तो z का मान माइनस एक बट्टा एक्स, राइट। पी वन निकालना अपन को, क्या निकालना है, पी वन निकालना है, तो पी वन के लिए ये चीज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर माइनस ये डी जेड बट्टा में डी एक्स, इसका ये मतलब हो चुका है कि आपको जहाँ पे आपको डी जेड बट्टा डी एक्स, उसका आपको वन टाइम फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। अच्छा डी जेड बट्टा में डी एक्स कितना है, ये चीज़ है क्या, हाँ वन बट्टा एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस दो बट्टा में एक्स क्यू, तो यहाँ पर पी, पी के जगह पर आपको मान डी जेड बट्टा में डी एक्स का मान, और क्या है, और अच्छा यहाँ पर भी है वन बट्टा एक्स स्क्वायर का पावर दो, मतलब एक्स का पावर चार, ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये चीज़ है, इस पर आपको डिफ्रेंशिएशन किया गया, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस दो बट्टा एक्स क्यू आया, वही लिखा हुआ है। पी वन की बात करते, किसकी बात करते, पी वन की, तो पी वन बराबर कितना लिखेंगे, जीरो, क्योंकि आर जीरो है आपके पास, और यहाँ पर आर वन का बराबर आर बट्टा, तो ये भी जीरो। एंड आप देख लीजिए द रिड्यूस इक्वेशन, ये चीज़ पुट कर दीजिए इसमें, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर में जीरो, मतलब एम का मान प्लस माइनस आयोटा आ चुका है, आयोटा है, और यहाँ से आपको सी ए बराबर में सी वन कॉस ए जेड, एक मतलब यहाँ पर ए सी वन साइन ए जेड, जेड का मान जो है आप पुट कर दीजिए माइनस वन बटा एक्स, तो पुट कर दीजिए जो है, तो आपका यहाँ से पी आई निकल चुका है जीरो। तो कंप्लीट सॉल्यूशन दोनों को जोड़ कर लिखते, तो आपका ये आपको क्या हो चुका है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर चार इस तरीके से है।
एक्स का पावर सिक्स डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का पावर फाइव डी वाई बट्टा में डी, ये चीज़ है। यहाँ पर एक्स का पावर सिक्स को आपको क्या करना, डिवाइडिंग करके हटा देना, अपन हटा भी दिया। तो यहाँ से आपको क्या आ चुका, देखिए ना क्या इक्वेशन आ चुका है, ये आ चुका है ना, बिल्कुल आ चुका है। कंपेयरिंग करना है इसे, ये पी क्यू आर, ठीक है, कंपेयरिंग कर लीजिए, पी का मान, क्यू का मान, आर का मान निकाल चुके हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टू चेंजिंग द इनडिपेंडेंट वेरिएबल इन जेड, आपको क्या करना है, चेंजिंग करना, यहाँ पर आपको चेंजिंग करते किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द जेड में। तो चलिए मैं तो करेंगे, यहाँ पर ये नया इक्वेशन जो है ये पी वन क्यू वन आर वन, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका पहले तो आपको क्यू वन का मान निकाल लेंगे, क्यू बट्टा में डी जेड बट्टा में डी एक्स का स्क्वायर, ये तो लिखते हैं क्यू वन का मान, ये बराबर में हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। देखिए कांस्टेंट आपको मानने का, यहाँ पर देख लीजिए वन बट्टा एक्स का पावर सिक्स में गुना कितना है ए स्क्वायर, तो उसी प्रकार का आपको क्या करना, कांस्टेंट भी लेना है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आप ए स्क्वायर लेंगे तो क्यू वन का मान हो जाएगा, किसका मान हो सकता है, क्यू वन का, जिससे आपको आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यू बट्टा डी जेड बट्टा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर का आपको एक मरता कांस्टेंट कर लेना, ओके। तो यहाँ पर कांस्टेंट के बराबर करेंगे क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है डी जेड बटा में डी एक्स, मतलब आपको जो है ये चीज़ और ये क्यू है, तो क्यू का मान आप डालेंगे ना, यहाँ पर क्यू का मान यहाँ पर रख दिया ए स्क्वायर बट्टा में, या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों ए स्क्वायर है, और ये आपको को क्या करना है, आपको ये वन बट्टा एक्स का पावर सिक्स है, आपको भेज दीजिए इधर, तो आपको डी जेड बट्टा में डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर वन बट्टा एक्स का पावर सिक्स है, ये ऊपर भी जा चुका है ना भाई, ये यहाँ पर वन बट्टा एक्स का पावर सिक्स है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ है कि डी जेड बट्टा में डी एक्स का वन बट्टा एक्स क्यू, डी जेड बराबर में एक्स का पावर माइनस थ्री, अब तो इंटीग्रेट करना, नॉर्मल इंटीग्रेट है, तो एक्स का पावर सॉरी जेड बराबर में माइनस वन बट्टा टू एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डी जेड बराबर में आपको लिखना है, मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन, माइनस दो बाहर, ये एक्स स्क्वायर का आपको क्या आ चुका है, सॉरी एक्स का पावर माइनस टू था, इसका आपको आ चुका है आपको एक्स का पावर माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री एक्स का पावर, ये एक्स का पावर माइनस थ्री डी जेड बराबर, इसका डबल डिफरेंशिएशन आपको आ चुका है माइनस थ्री एक्स का पावर चार। तो पी वन आपको निकालना है तो निकाल लीजिए, मुश्किल नहीं है। और ये देखिए ये चीज़ है ना, यहाँ पर ये इसके जगह पर आ जाएगा, यहाँ पे पी का मान, यहाँ पे डी जेड बटा में डी एक्स का मान, अपन रख भी दिया, रखने के बाद इस तरीके से आ चुका है। अब इसे क्या करेंगे, क्या कर, अच्छा ये माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो बनने वाला है, जा जीरो हो चुका, उतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आर वन का मान आपको ये चीज़ है, तो आर का मान डी जेड बट्टा में डी एक्स का मान, ये आ चुका है एक्स बार, आर वन बराबर में आपको आ चुका वन बट्टा एक्स स्क्वायर आ चुका है। पुटिंग दिस इक्वेशन, मतलब आपको जो है पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, चलिए पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्यू वन पी वन आर वन तीनों मान अपन पुट कर दिया तो ये आया, ओके आगे इसमें क्या आ चुका है, देखिए ये आपको डी वाई बट्टा डी जेड स्क्वायर है ना, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आप लिख सकते हो, इसमें भी कोई मुश्किल आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप तो ये लिखिएगा, दिक्कत नहीं है, आगे आप देखिए यहाँ पर ये एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में जीरो करिए, एम का मान आ चुका है प्लस माइनस आयोटा, क्या आ चुका है प्लस माइनस आयोटा। तो आपको यहां से क्या कर लेना है कि आपको सी एफ निकाल लेना, सी एफ निकालना तो अब तो आसान है, वेरी सिंपल। तो हमने यहां से क्या किया, सी एफ निकाला, एक चीज़ जेड का मान जो आपको डालना है माइनस वन बट्टा टू एक्स स्क्वायर, जेड का मान, ओके अच्छा यहां पर से ये जेड का मान है, मतलब आपको यहां तो टू इधर भेज दिया टू जेड, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टू जेड तो मुश्किल नहीं है, माइनस टू जेड बराबर आपको वन बट्टा एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां पर देखिए जेड का मान अपन का यहां पर डाल दिया, ठीक है, तो ये आपको आ चुका है। पी आई निकालते, पी आई देखते क्या रिजल्टेट आता है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वन बट्टा स्क्वायर रहेगा, ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए फार्मूला बनाने के लिए, तो आपको आ चुका है यहाँ से आपको जेड, यहाँ पर आपको क्या ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ओके। तो आपको जो यहाँ पर माइनस दो बट्टा ए स्क्वायर, ये जेड से गुना कर दीजिए, जीरो माइनस दो बट्टा ए स्क्वायर इंटू का जेड, और यहाँ से आपको टू टू कैंसिल, तो वन बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ चुका, ओके। आगे आप देखिए यहाँ पर वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो ये आपको सी एफ और ये आपको पी आई, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका, ओके। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो आता है फाइव है, जो आपको देखिए इस तरीके से दिख रहा है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम में आ सकता है, तो चलिए प्रैक्टिस भी आपको करना है। एक्स को हटाइए, डिवाइडिंग करके हटा दिया अपन, कंपेयरिंग विद, मतलब कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ पी क्यू आर अपन निकाल लिया, देखिए ना कितना निकाले पी क्यू आर, ये चीज़ है हाँ। तो नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो यहाँ पर आपको देखिए कि आपको ये जो नया इक्वेशन है, यहाँ पर क्यू वन का मान, पी वन का मान, आर वन का मान, कॉन्स्टेंट माइनस चार लेंगे,
चलिए क्यू वन का मान भी आपको -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यू वन इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, दोनों के बराबर होता है ना मेरे भाई, तो दोनों काम करना। क्यू वन का मान -4, ओके। तो यहाँ पर आपको देखिए ये dz बट्टा में dx का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, इसका u मतलब हो चुका है dz बट्टा में dx बराबर एक्स, dz बराबर में एक्स dx। इंटीग्रेट करिए z बराबर में एक्स स्क्वायर बट्टा 2, मतलब आपको वेयर p1 बराबर में आपको d2 z बट्टा में dx स्क्वायर प्लस p dz बट्टा में dx। यहाँ से आप देखेंगे dz बट्टा में dx का होल स्क्वायर, दिक्कत नहीं है, मान यहाँ पर रख दीजिए, और यहाँ से आपको आ चुका बराबर का कितना आ चुका है 0 आ चुका, ओके। आपको यहाँ से क्या निकालना, r1 निकालना। r1 देखिए r1 बराबर r बट्टा में dz बट्टा का dx का स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ से आ चुका है r1 का मान, ये चीज़ तो r1 का मान देखिए ना क्या आ चुका है, 8 sin x स्क्वायर न कि sin स्क्वायर है। आपको रिड्यूस इक्वेशन मतलब ये पुट कर दीजिए। अच्छा ये थोड़ा खतरनाक आने वाला है क्या, हाँ चलिए देखो दिखने एक्स स्क्वायर मुश्किल है, आप एक्स स्क्वायर को जो है ना क्या कर लीजिए, मान लेते कुछ मान लेते क्या, चलिए मान लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास है, ओके, इसे डी स्क्वायर -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक चीज़ मुझे बताइए, ये एक्स स्क्वायर था, ये 8 साइन एक्स स्क्वायर है, मुश्किल नहीं है। यदि आप एक्स स्क्वायर बराबर में 2z मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड बराबर में एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब आपको एक्स स्क्वायर बराबर में 2z, यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया, पुट कर दिया गया, ओके। तो हमारे पास जो आ चुका डी स्क्वायर -4 इंटू वाई बराबर, ये चीज़ ए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया, एम का मान -2, सी एफ निकाल लिया यहाँ पर c1 + c2 का पावर -2z। देखिए जेड का मान आपको पुट करना है, जेड का मान कितना है, जेड का मान एक्स स्क्वायर बट्टा 2, चलिए मुश्किल नहीं है, पुट कर दीजिए, मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से आपको पी आर बराबर 1/d² - 4 8 sin 2z, तो आपको ये चीज़ है, आपको ये डी स्क्वायर की जगह पर आप -2 रख सकते हैं, -4, तो -8 हो जाएगा, 8 कैंसिल साइन 2z। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा सी ए प्लस पी आई, तो आपका ये क्या आ चुका है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आ चुका है।